लगातार रेप मर्डर से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। आखिरी चरण में सीबीआई की जांच, महिला डॉक्टर और आरोपी का डीएनए हो गया है मैच। सीएफएसएल ने दोनों के डीएनए की प्रोफाइलिंग की है। साइंटिफिक टेस्ट के बाद सीबीआई को दी जाएगी रिपोर्ट। संजय रॉय के खिलाफ सीबीआई के पास पर्याप्त सबूत हैं। सूत्रों के हवाले से मिल रही बड़ी जानकारी, अब तक की जांच में संजय रॉय ही मुख्य आरोपी है। आखिरी चरण में सीबीआई की जांच, संजय रॉय के खिलाफ में सीबीआई के पास में पुख्ता सबूत है। हालांकि पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान में आरोपी संजय रॉय ने कहा था कि जब वो कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचा उस दौरान में डॉक्टर की मौत हो चुकी थी, वो डर के भागा, वहीं पर उसका एयरफोन गिरा, क्योंकि उसी के जरिए ही संजय रॉय तक पुलिस पहुंची थी। कोलकाता पुलिस पहले से वालों के घेरे में है, लगातार प्रोटेस्ट का सिलसिला जारी है। परिवार की ओर से कल आरोप भी लगाया गया, डॉक्टर के परिवार की ओर से आरोप लगाया गया कि पुलिस ने प्रेशर बनाया था और यहां तक कि प्रलोभन भी दिया था मामले को दबाने के लिए। अब इस पूरे मामले में सीबीआई की जांच पड़ताल लगातार जारी है और खबर यह है कि सीबीआई भी अब आखिरी फेज में लगभग पहुंच रही है। और देव कुमार घोष मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त हैं कोलकाता रेप मर्डर केस में। देव, आपके पास अभी फिलहाल क्या कुछ खास जानकारी है, सीबीआई के हाथ क्या क्या लग चुका है? बिल्कुल पूजा, देखिए आपकी जो अपडेट सारे खबर है, जैसे सबका इंतजार था डीएनए रिपोर्ट का, और सीएफएसएल टीम जब पॉलीग्राफी टेस्ट किया था साथ ही साथ डीएनए रिपोर्ट एम्स को भेजा गया था, संजय रॉय का डीएनए मैच हुआ है और कहीं ना कहीं संजय मुख्य आरोपी जो सस्पेक्टेड थे, साथ ही साथ अब डीएनए रिपोर्ट से अगर बात करें तो अंतिम चरण में पहुंच गया सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन। संजय रॉय का डीएनए मैच हुआ है। जो सबसे बड़ा सवाल था, संजय रॉय आरोपी है और उनके साथ कितने आरोपियों शामिल है, लेकिन जब सीएफएसएल टीम ये डीएनए टेस्ट के लिए भेजा गया था एम्स को और संजय रॉय का डीएनए मैच हुआ है, अभी का फिलहाल सूत्रों से अपडेट है डीएनए मैच कर चुका है। लेकिन पॉलीग्राफी टेस्ट में आरोपी ने कहा था कि जब वो वहां पर पहुंचा उस दौरान में रेजिडेंट डॉक्टर की मौत हो चुकी है। इस पूरे मामले में काफी पेचीदगी देखने को मिल रही है अभी तक। देखो पूजा, जब पॉलीग्राफी टेस्ट में संजय रॉय ने दो तरफ का जवाब दिया था कि संजय रॉय ने पहले बताया था मैंने रेप नहीं किया हूं बल्कि मैंने मर्डर किया हूं। अगर देखे पॉलीग्राफी टेस्ट के बात करते हम, कहीं ना कहीं संजय रॉय के स्टेटमेंट से दोनों तरफ की दो साइड्स देखने को मिला था। एक तरफ अगर बात करें, संजय रॉय के एडवोकेट ने बताया था मौका दिया जाए पॉलीग्राफी टेस्ट करने की, क्योंकि संजय रॉय आरोपी नहीं है बल्कि और कोई आरोपी है, संजय रॉय को फंसा जा रहा है। कहीं ना कहीं भी अगर सारे चीज को बात करें, सामने आ रहा है, देखने को मिल रहा है संजय रॉय ही आरोपी है, क्योंकि डीएनए मैच हो रहा है। पॉलीग्राफिक टेस्ट के दौरान उन्होंने दो तरीके का आंसर दिए थे, पहला था मैंने रेफ नहीं किया हूं, जबकि वो सेमिनार हॉल पे रात को करीबन 3:30 बजे पहुंचे और जैसे सीसीटीवी कैमरा में कैद हुआ था 4:15 तक आरोपी ने सेमिनार हॉल से निकले थे। हालांकि सेमिनार हॉल के पास कैमरा नहीं है बल्कि हॉस्पिटल के दूसरे कई कोनों पे कैमरे से उनकी सीसीटीवी फुटेज मिला था। अगर बात करें कहीं ना कहीं संजय रॉय का स्टेटमेंट और डीएनए टेस्ट, तो सिस्टम जैसे देखकर दिखा जा रहा है और कितने आरोपी शामिल हो सकते हैं। फिलहाल कई पहले से सूत्रों से मिला था संजय रॉय के अलावा और कई आरोपी शामिल है। अगर बात करें सीमेंट के बारे में, 150 ग्राम की सीमेंट मिले थे कहीं ना कहीं, तो ये मामले को अगर सीबीआई अंतिम चरण में लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डीएनए टेस्ट एक बड़ा चुनौती था सबके लिए और डीएनए टेस्ट से ही पता चला है कि संजय रॉय ही मुख्य आरोपी है। लेकिन आगे सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन और तेज होने के बाद और मदद पता चल सकता है और कितने आरोपी शामिल है। और बड़ी बात यह है कि एक तरफ जहां अभी तक इस पूरे मामले में सीबीआई जांच पड़ताल कर रही है, जैसा आपने जिक्र किया कि क्या कई और भी चेहरे हो सकते हैं, तो इसको लेकर कोई पुख्ता सबूत हाथ लगे हैं क्या अभी तक सीबीआई के? देखिए सीबीआई इस मामले पर करीबन 10 लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट कर चुका है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, आरोपी संजय रॉय का अगर जो बात करें उनका हेड एएसआई अनूप दत्ता, साथ ही साथ 4 डॉक्टर्स, रेसिडेंट डॉक्टर्स और 2 सिक्योरिटी। लेकिन अगर अभी बात करें सीबीआई करीबन 100 से ज्यादा लोगों को स्कैनर पे लाया है जबकि 10 लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ है। आगे सीबीआई इन्वेस्टिगेशन और बता सकता है और कितना आरोपी उसमें शामिल है, लेकिन फिलहाल की अपडेट जैसा है, मुख्य आरोपी कलकत्ता पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन कर रहा था तब संजय रॉय को ही गिरफ्त किया था। जब हाईकोर्ट ने ऑर्डर देने के बाद केस सीबीआई को हैंड ओवर हुआ, सीबीआई केस को टेक ओवर करने के बाद इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और 7 से 8 नया नाम सामने लाए और उनका भी पॉलीग्राफी टेस्ट किए, बल्कि एक बार नहीं 2-2 बार पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ है। पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान जब संजय रॉय को सवाल हुआ था, क्या आपने, पहला सवाल था क्या जैसे पॉलीग्राफी टेस्ट नॉर्मली क्या होता है, उनसे सीबीआई टीम फर्स्ट फ्रेंडली होते हैं, सेकंड में टॉपिक के ऊपर आता है। जब टॉपिक के आने से दौरान सीबीआई ने पहले उनसे सवाल किया था
क्या आप ही मुख्य आप ही पीड़िता के रेप किए? संजय रॉय का स्टेटमेंट था, मैंने रेप नहीं किया हूं। फिर सीबीआई ने पूछा क्या आपने मर्डर किए? संजय राय बोला था हाँ मैं मर्डर किया हूं। लेकिन ये सवाल अगर बात करें जिक्र करें कहीं ना कहीं आरोपी और कोई शामिल है, इन्वेस्टिगेशन सामने बताएगा। और सबसे बड़ा बात फिंगरप्रिंट्स और दो तीन आदमी का मिला है वहां सेमिनार हॉल की बात करें, सेमिनार हॉल की बगल कमरे की बात करें जहां पे रिनोवेशन वर्क हुआ था। सबसे बड़ा बात अभी चुनौती सीबीआई के लिए, सीबीआई जैसे उनके स्टेटमेंट भी दिए थे कि हम लोग वहां पे रिनोवेशन का काम हुआ था हॉस्पिटल के सेमिनार के बगल वाले कमरे में, तो कहीं ना कहीं इट इज ए वेरी बिग टफ जॉब फॉर सीबीआई, कहीं ना कहीं एक टफ जॉब हो जा रहा है सीबीआई के लिए पूरा जांच ताश के लिए। जाहिर तौर पर बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। इस पूरे मामले में पहले कोलकाता पुलिस ने जांच पड़ताल की, उसके बाद इस पूरे मामले को सीबीआई को हैंडओवर किया गया। सीबीआई ने भी कई गंभीर आरोप लगाए। सीबीआई ने कहा कि जब हमें ये पूरा केस मिला है उस दौरान में काफी सारे तथ्यों को मिटा दिया गया, और अब इस पूरे मामले में फिलहाल जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो संजय रॉय के खिलाफ सीबीआई के पास में पर्याप्त सबूत है, सीबीआई ये बात कहती हुई नजर आ रही है।